सो गाइस, हमारे चिप्स के पैकेट इस बंदर ने ले चुका है। ये देखो, खा रहा है। इस बंदे से लिया है, देखो इस बंदे। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. YouTube चैनल एवन, आई होप गाइस मेरी तरह अच्छे होंगे। तो भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत आप देख सकते हो, मेरे पीछे छोटा झरना है और मेरे दोस्त ऊपर चढ़ चुके हैं। तो हम लोकेशन एक्सप्लोर करने आए थे, तो वो आगे वीडियो में आप देखोगे। तो अभी देख रहे हो पीछे छोटा झरना, अब इसका बताता हूँ मैं कुछ वीडियो में बता दूँ। तो गाइस, तुम ये व्यू देख सकते हो, ये सब, ये मेरा फ्रेंड नीचे उतर चुका है और ये वाटरफॉल है छोटा सा, ये यहाँ तक जा रहा है। बिल्कुल साफ पानी है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा है पर वहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है पानी। सो गाइज, हम वहाँ से झरने से आ चुके हैं, अब हम वहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे कि तुम मेरे दोस्त को देख सकते हो पीछे, ये कहाँ गया, ये हम जा रहे हैं वो बाइक बोरी। अब बाइक यहाँ से निकलेगी और नेक्स्ट लोकेशन पे, अभी तक स्किप मत करना वीडियो को, रेगुलर देखना। तो गाइस, फाइनली हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं और ये देख सकते हो आप, ये जो चढ़ाई है ना, इसकी जो लोकेशन की बहुत ऊपर है। मतलब मैं सोच पा रहा था कि हम तीन जने आए थे, वो गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। पल्सर है आपके पीछे, देख सकते हो जो आप थंबनेल देख के आए हो, पल्सर। और ये फोटोशूट इनका चलता ही रहता है रेगुलरली, पीछे देख सकते हो बंदे का, इनका रेगुलरली फोटोशूट चलता रहता है। लोकेशन पकड़ के बैठ जाते हैं और पीछे का व्यू देख सकते हो तुम, बहुत अच्छा आ रहा है। आज थोड़ी धूप है मेरे हिसाब से, इसलिए चेहरा बहुत ब्राइट आ रहा है कैमरे में। ऐसे ही तुम सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, तुम्हारे भाई ऐसे ऐसे नया नया कंटेंट आता रहेगा। तो आगे चलते हैं अब लोकेशन पे। सो गाइस, हम फाइनली उबेश्वर जी मंदिर पहुंच चुके हैं। सो गाइस, फाइनली हम उबेश्वर जी मंदिर पहुंच चुके हैं। आपको मंदिर का बताऊँगा अंदर का। तो फाइनली गाइज, हम उबेश्वर जी मंदिर आ चुके हैं। जिस आपने शॉर्ट देखे वो मंदिर के थे प्रॉपर। और ये मैं यहाँ जहाँ पे बैठा हूँ, लोकेशन चेक कर सकते हो, ये पीछे छोटा सा तालाब है उबेश्वर जी मंदिर का। उबेश्वर जी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, जैसा कि तुम लोग को पता है, बता रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ उदयपुर वाले को बताना चाहता हूँ ये चीज़ें, जो रोड ट्रिप प्लान कर रहा है वगैरह जो भी है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है उदयपुर में, तो आप एक्सप्लोर करने आ सकते हो। ये एनिमल लवर, इन्होंने मच्छी पकड़ ली है, मछली। बहुत सारे आए हैं यहाँ, बहुत सारे जने आ चुके हैं यहाँ पे। भीड़ बहुत पड़ रही है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है समथिंग एक बज रही है यहाँ पे और भीड़ पड़ना स्टार्ट हो गई है। पहाड़ी पर है, मतलब हम पल्सर 150 पे आए थे, मैंने सोचा नहीं था कि हम तीन जने, मतलब गाड़ी चढ़ पाएगी अब ऊपर। पर क्या करें, आप प्रो खिलाड़ी है हमारे साथ चलाने वाले भी, इसलिए पहुंच गए हम। और ये मछलियों की तरफ देखते हुए पूरे दोस्त, ऊपर का व्लॉग बनाऊंगा। ऊपर वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ का भी बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत कुछ। वहाँ पे बहुत व्यू बहुत खुला है, मतलब चारों तरफ से नज़र आएगा, हरियाली वगैरह सब नज़र आएगी,
बता तो पीछे का आपको ये नदी का थोड़ा बहुत व्यू बड़ी है। सो गाइस तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये छोटी छोटी मछलियाँ और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है देखो, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और महादेव जी की जगहों पे मैंने ऐसा देख रखा है कि मछलियाँ होती है उन कुंड वगैरह तालाब में, ऐसा है। और ये उबेश्वर जी मंदिर बहुत पुराने साल का है, जैसे कि तुम देख सकते हो पहाड़ी के ऊपर उधर से कारें वगैरह आ रहे हैं। वैसे दिख रहा नहीं होगा क्योंकि ब्राइटनेस इतनी कुछ है नहीं यहाँ पे, धूप मौसम अलग ही हो रहा है, बारिश जैसा होने लगा है मेरे को लग रहा है। और उधर की साइड से मतलब झरना बह रहा है पर मैं बता नहीं पाऊँगा, उधर झरना बहुत सारे आए हैं ये देख सकते हो, बहुत सारे जनों में मेरा भाई भी है थोड़ा ये मछलियाँ पकड़ते हुए। सो गाइस हमारा हेलमेट, हम जहाँ पे लोकेशन पे मैंने थंबनेल डाल रखा था उस जगह पे हेलमेट तो हमारे भूल गए। पीछे जो बंदे आ रहे थे उन्होंने बताया कि आपका हेलमेट वापस छूट गया है, और ये भाई एंजॉय कर रहा फुल बालाजी की चिप्सों के साथ। ये देखो माजर लेके बैठे हुए, एक कार्तिक नाम का मेरा भाई है वो लेने गया है, वो गया है हेलमेट लेने। सो गाइस वापस आ गए हम लोकेशन पे, तुम लोग देख सकते हो उधर की साइड चलते चला जाओ। ये भाई स्टार्ट कर दिया इसने खाना करना वगैरह सब स्टार्ट कर दिया इन्हें, धूप बहुत ज्यादा है। खाओ खाओ एंजॉय। सो गाइस हमारे चिप्स के पैकेट इस बंदर ने ले चुका है, ये देखो खा रहा है। इस बंदे से लिया है, देखो इस बंदे से कुछ कोई जानवर भी कुछ छीन सक रहा है, तुम लोग देख सकते हो। कुछ नहीं हुआ, वो भी एक एनिमल ही है, एंजॉय कर रहा है, तो उसे भी एंजॉय करने दो जैसा कि वो एंजॉय कर रहा है। तुम वेदर देख रहे हो बहुत डोप हो गया है, वो एक भाई हेलमेट लेने गया है हमारा, हम रास्ते में भूल गए। एंजॉय एंजॉय, बाप बेटे खा रहे हो, बाप बेटे खा रहे हैं सुनने में आया, देख लो बाप बेटे माँ बेटे क्या पता, इस भाई को पता पड़ जाता बाप बेटे क्या। गाइस वो बंदर वाला आपने सीन देखा नहीं, मैं रिकॉर्ड करते करते चुप गया, उसने बहुत तबीयत से हमला किया चिप्स के ऊपर, हमारे भाई को देख सकते हो अभी तक मुंह चबा ही रहे। सो गाइस तुम देख सकते हो ये छोटा सा झरना यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे पूरी ये तालाब टाइप है और झरना गिर रहा है, जूम करके बताता हूँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे नहा रहे हैं लोग और भाई अपने जगह ढूंढ लेता है हर जगह बैठने की और बैठ जाता है वहाँ पे। सो गाइस हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं और ये भाई को फोटो से ही छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है। तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, ऊपर एक मंदिर है एक्सप्लोर करेंगे उसको, वहाँ का व्यू देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप भी आओ यहाँ पे घूमने फिरने। तो चलो चलते हैं देखते। सो गाइस हम फाइनली सेकेंड लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, ये वैष्णो देवी माता जी का मंदिर है, बताऊंगा अभी आगे का सीन तुम्हें। सो गाइस तुमने देखा माता जी का मंदिर, हम प्रसाद खाया अभी, ये प्रसाद के लिए देख लो कितना वो हो रहा है। ये गुफा देखी आपने वैष्णो देवी की, तुम्हें माता जी का मंदिर मैंने दिखाया तुमको तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और वो लोग अंधेरे में आ रहे हैं, ये देखो एक भूत आ रहा है सामने से, बड़ा सा भूत, फोकस नहीं हो रहा है भूत पे। ये हम आ गए बाहर, ये हम बाहर आ चुके हैं। सो गाइस तुमने अभी देखा मैं वैष्णो देवी माता जी के मंदिर के अंदर एंट्रिंग इस गेट से हुआ था और हम उस मंदिर के शायद तक ऊपर खड़े हुए हैं, और तुम देख सकते हो पीछे का व्यू। ये दोनों हमारे भाई ये बोल रहा फ़ोटो खींचो पर नहीं खींचेंगे, अभी व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। और तुम देख सकते हो रास्ता नीचे से जा रहा है, वो उधर से होता हुआ रास्ता आ रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट भी आ चुके हैं यहाँ पे, क्या पता लॉकडाउन खुल गया है मेरे को लग रहा है। सो गाइस तुम्हारे भाई चश्मे में कैसा लग रहा है बताइए थोड़ा, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तुम्हें दूसरी लोकेशन पे लेकर जाता हूँ अभी मैं, शूज़ वगैरह पहन के हम चलते हैं सेकंड लोकेशन पे। पीछे का व्यू देख सकते हो तुम लोग, ये दोनों है बहुत कांडे आदमी दिख रहे हैं दोनों, पीछे देख सकते हो ये रोड है, यहाँ से हम आए हैं, आगे जाएंगे शायद।
अभी अभी गिरता गिरता बचा है नीचे। सो गाइस हम जाएंगे अब नेक्स्ट लोकेशन पे, तुम बताएंगे, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा। और पीछे अभी फोटोशूट चल रहा है भाई का, हर का भी चालू हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ इंस्टा रील्स बना, इंस्टा रील्स नहीं बनाता है बंदा, वायरल होने के चांस है इसका। सो गाइस हम नेक्स्ट लोकेशन पे अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ये थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता इन भाइयों ने चूज़ किया है, तो चलो हम बताऊँगा तुम्हें व्यूज। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ तुम कंटेंट में। और यहाँ पे अगर कहाँ पे भी अगर उदयपुर में घूमने जा रहा तो कोविड केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेरी बात मानो, तो मास्क सैनिटाइजर जो भी है वो पूरा प्रिकॉशन ले। सो गाइस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा खाई है, पीछे का बैकग्राउंड बता दो तुम्हें और कुछ पीछे के शॉट्स। अब तुम देखिए यहाँ से मतलब सज्जनगढ़ तक नहीं दिख रहा है, हम सज्जनगढ़ के उधर से रास्ते से आए थे और सज्जनगढ़ तक नहीं दिख रहा, भाई नीचे उतर चुका है, तुम लोग देख सकते हो ये रेजिनेस जिसको कहते हैं, हर काफ़ी चढ़ रहा है, मतलब इस रास्ते से हम आए ऊपर से देख सकते हो बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर अब थोड़ी देर बैठेंगे, चिल आउट करेंगे दोस्तों के साथ, गप्पे शप्पे मारेंगे, फिर देखते हैं अब आगे कौन सी नेक्स्ट लोकेशन है, या तो इसका पार्ट टू आएगा या तो यहाँ पे ही एंड होगा इसका, तो चलो चलते हैं। एंड यहाँ के कुछ शॉट मैं इस वीडियो में सिनेमेटिक शॉट नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि रुको ज़रा, क्योंकि यहाँ पे सिनेमेटिक्स लायक कुछ है नहीं बताने लायक, इसलिए तो बैक कैमरे से थोड़ा व्यू बता दो तुम्हें। चश्मा तो नहीं रहा तो साफ क्यों देख रहा मैंने। तुम लोग देख सकते हो गाइज ये व्यू, ये नीचे खाई टाइप का है, नीचे झरना टाइप चल रहा है, और बादल भी यहाँ से बहुत करीब दिख रहे हैं पर है नहीं ऐसा कुछ, बारिश आने जैसा मौसम लग रहा है क्योंकि ये बादल संकेत दे रहे हैं उनका। सो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।